रिया चक्रवर्ती ने अंकिता लोखंडे के बारे में काफी आपत्तिजनक बात बोली है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने बोला है कि अंकिता लोखंडे तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत की विडो बनी हुई है। जी हाँ, को विधवा बोला है। अंकिता लोखंडे के बारे में रिया चक्रवर्ती ने यह भी बोला कि अंकिता लोखंडे ने तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत की विधवा का रूप ले लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात बोली है। एक वुमेन के लिए इतनी बड़ी बात बोलना काफ़ी गलत बात है, और ये जो वो भी आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आप उनको ऐसा बोल रहे हो, चीज़ गलत है, गलत बात है। आपको ये भी बता दें कि जो रिया चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती ने ये भी बोला है कि वो इस बात को लेकर काफ़ी अचंभित थी जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे। उस टाइम की बात है, वो कहती थी कि मैं तो काफ़ी शौक में थी कि कैसे एक तो अंकिता लोखंडे ने उन्हीं के दोस्त से एंगेजमेंट कर ली है, और उसके बाद वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में ही रह रही है। जी हाँ, एक मसला सामने आया था हाल ही में कि जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से, सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्लैट है, एक उनके अकाउंट से एक फ्लैट की ईएमआई कटती थी। जी हाँ, और आपको बता दें कि ईडी ने एक पूरी वो निकाली थी उनके उनके अकाउंट की डिटेल, जिसमें पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से एक फ्लैट की ईएमआई कटती है, और वो जो फ्लैट है वो फ्लैट था अंकिता लोखंडे के नाम पे। जी हाँ, सो काफ़ी चर्चा में रहा था ये। और आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर इस बात पर सफाई दी थी, जिसमें अंकिता लोखंडे ने फ्लैट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने उस पर पोस्ट करे थे, और जिसपे अंकिता लोखंडे का नाम था कि ये जो घर है, ये जो फ्लैट है वो मेरा है, इस पर मेरा नाम है। और अंकिता लोखंडे ने अपने अकाउंट की डिटेल्स को भी उस पर डाला था कि उनके अकाउंट से इस फ्लैट की ईएमआई कटती है। तो ऐसे अंकिता लोखंडे ने सफाई दी थी। जी हाँ, और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इसी बात को लेकर ये बोला था कि वो काफ़ी शौक में हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के घर में अंकिता लोखंडे रह रही हैं। जी हाँ, तो काफ़ी बड़ी बात थी। और रिया चक्रवर्ती ने ये भी बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत को शर्म आती थी कि वो नहीं बोल पाते थे अंकिता लोखंडे से कि तुम मेरा घर छोड़ के चली जाओ। तो ये सब बातें बोली हैं रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस कमेंट पे, कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए।